मुश्किल से 15 मिनट प्रधानमंत्री जी रुके होंगे, उनको बहाना मिल गया कि अब क्योंकि रैली में तो एक आदमी है नहीं, वहां तो अमरिंदर सिंह जी बैठे हैं, जो 10,000 के करीब सिक्योरिटी पर्सनल है वो बैठे हैं, और 2-4-5,000 बीजेपी के लोग बैठे हैं, इसलिए रैली में अब कोई है नहीं, तो वो वापिस चले गए। पंजाब प्रशासन है मोदी जी की रैली में जाने के लिए, पंजाब प्रशासन पंजाब पुलिस रोक रही है मोदी जी की। ये देखो सारी बसें हैं, इतनी बसें हैं जो मोदी जी की रैली में जाने के लिए तैयार है, लेकिन प्रशासन रोक रहा है। ये पंजाब सरकार जानबूझकर इस रैली को रोकने का काम कर रही है। पूरी पब्लिक को आज एक ऐतिहासिक रैली होनी है, उसको रोकने के लिए पंजाब पुलिस देखिए किस तरह से खड़ी है, और हमें बेवजह तंग कर रही है पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस जानबूझकर मोदी जी की रैली में पब्लिक को नहीं जाने दे रही है, इसीलिए रोका जा रहा है। आप देख लीजिए, मिरर थले करो, देखो जी मोदी जी के कार्यक्रम दे विच पब्लिक का रुझाव, एनी बारिश के दौरान भी जनसमूह, देखो जी जनसमूह देखो हम घुमा के आया हुआ है। पंजाब सरकार च फेलियर साबित होती है कि जो पब्लिक नू इन्ना प्रयास किया उन्होंने किसानों के रूप में अपने कांग्रेसी वर्करा नू भेज के भाजपा के कार्यकर्ता रोकने की कोशिश की, उसके बावजूद भी भाजपा का वर्कर देखो कि हम घुमा के आ रहा है बारिश के दौरान। जय श्री राम। ये बीजेपी के वर्कर के जोश नू घट नहीं किया जा सकता। इस बार अही पंजाब दे विच पुल जिहड़ा वा वो जित करेगा, बीजेपी जित करेगी। ये कांड दे पिछुआं दी साजिश नाल कुछ नहीं फर्क पैणा। आ देखो जनता दा जोश, आ देखो जनता दा जोश, मोदी नू मारे लगन दे आ। देखो जिन्ने मर्जी साहब दा पालना।